देखिए, पत्रकार वार्ता के मतलब है चौबे जी के जो बयान था संतों के खिलाफ, संत को ढोंगी कहना, और आपका बक्सर के जो विरोध करेगा उसको मिट्टी में मिला देना, इस पर हमको बहुत दुख लगा। इसलिए कि हम यहाँ जनता की मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, हर जाति बिरादरी के लोग को हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और जहां पर जैसा हर जाति बिरादरी के लोग की जरूरत पड़ा है वहां हम पहुंचे हैं। हमको इस बात के दुख है, और हम भी चैलेंज करते हैं कि किसी आदमी पर चौबे भागलपुर से आके आंख दिखा दे, तब उनको पता चल जाएगा कि बक्सर है क्या। बक्सर लड़ने वाली धरती है, वीरों की धरती है, संतों की धरती है। बक्सर पुरुषोत्तम राम के ज्ञान की स्थल है। इसलिए बक्सर के धरती पर कोई भी व्यक्ति बाहर से आके अपमान करने का कोशिश करेगा, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और अब की बार जनता वोट से बदला लेगा चौबे के, जो मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। सर, इनके उद्घाटन पर भी जितने भी सवाल उठ रहे हैं योजनाओं का मंत्री जी द्वारा, देखिए, झूठ ढोंगी आदमी है ना, कि इसका कोई सीमा नहीं है। इनसे खाली पूछिए कि आपका 50 करोड़ रुपया आपको मिला, 50 करोड़ रुपया कहाँ कहाँ लगाए हैं, किस गांव में लगाए हैं, किस वोटर के पास लगाए हैं, 50 करोड़ रुपया के हिसाब दे देना। 50 करोड़ रुपया में इनका जांच होकरने लगे तो ये कमीशन में जेल चल जाएंगे। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, हम तो पूरे गांव गांव में घूमते हैं भाई। अब पूरे गांव में हम घूमते हैं, मगर इनका कहीं पर नहीं लगता है कि इनका 5 करोड़ 4 करोड़ का कहीं काम हुआ हो। यह तो भारत सरकार की प्लानिंग है, यही नहीं, यह राजीव गांधी की प्लानिंग भी था कि अब बिहार के हर बस्ती को रोड से जोड़ना। और हाईवे का प्लानिंग आज से नहीं है, हाईवे के प्लानिंग अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से चल रहा है, और यह भारत सरकार का है। जो प्रधानमंत्री योजना हो, मुख्यमंत्री योजना हो, और नीतीश कुमार की योजना, नीतीश कुमार के तो साथ हम भी सटे हैं, और नीतीश कुमार के साथ निश्चित वाला भी, यह आपका 71 अपना इनका उम्र हुआ 71 बरस, तो 71 गिना दिए काउंट के, ये 71 पर उनका तनी बोर्ड देख लीजिए शिलान्यास कहाँ किए हैं। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि अब की यहाँ के लोग बाहरी लोग को पसंद नहीं करेगा, और उसी आदमी को अब की पसंद करने जा रहा है जो खेत खलियान और हर दुख सुख में शामिल रहता है। तो यह लोग हर जाति बिरादरी के लोग जन, बाबा का तो ये कहना है पूरे 5 साल नजर नहीं आता है। बाबा के कहाँ पता इंकर बा, कहीं कहाँ देखे हैं आप? बाबा बक्सर में है, बक्सर खाली आते हैं, बक्सर ले चल जाते हैं। बक्सर पूरे गांव की वोटर नहीं है, बक्सर एक शहर है, इनको होटल में रहने की एक स्थान मिल गया है, और वहां बढ़िया बढ़िया आइटम खा के चल जाते हैं, तो वही नहीं ना हुआ? अरे बक्सर जाना है तो जाके राजपुर में जाओ, इटाड़ी में जाओ, रामगढ़ में जाओ, आपका ब्रह्मपुर में जाओ, डुमराव के गांव गांव में जाओ, वो ना है? इनको गांव में कोई देखा नहीं, पहचानता नहीं होगा, ये जान लीजिए। मेढक किसको कह रहे होंगे, क्या लगता है आपको? मेढक तो वो अपने को कह रहे हैं कि हम भागलपुर ले आके यहाँ ले चुनाव जीत जाते हैं, दिल्ली में चल जाते हैं, तो वो अपने बोले हैं, इसलिए वो अपने को आपको मेढक कहते हैं, तो उस पर हमको कुछ नहीं बोलना। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं 50 करोड़ रुपया उनको मिला है, काम नहीं किया, कहाँ कदावर नेता के रूप में जाने वाले जाते, तो आप लोगों ने क्या इसके खिलाफ, आप लोगों को तो आवाज उठानी चाहिए। हम नहीं, हम तो बोले कि 5 साल हम गांव गांव में घूमे, हम अपना गांव के लोगों के अपना वोटर को जांचने परखने में लगे थे कि अब इन लोग की क्या मानसिकता है। तो वो मानसिकता में हम किसी आदमी और किसी व्यक्ति को विरोध आज भी नहीं करते हैं, लेकिन यह मामला संत के खिलाफ आ गया, जहां पर जियत सोमा स्वामी जहां पर खड़ा होते हैं, जहां करोड़ों लोग जुटता है। अभी आपका हिंदुस्तान से बाहर गुप्तेश्वर पांडे संत जा रहे हैं, वो यह इस ढोंगी कहकर ये अपमान किए, इसलिए अपमान बर्दाश्त की बात की चीज हो गया, तब आपके पास हमको आना पड़ा कि आपके संदेश उनकी कान तक पहुंचे और यहाँ बक्सर के लोग के जन जन तक पहुंचे कि यह ढोंगी कहने वाले व्यक्ति और मिट्टी में मिलाने वाले व्यक्ति का जवाब अब की बार चुनाव 24 के लोकसभा वोट से होगा।